वेलकम टू सोशल। ट्वेल्थ फेल के बारे में मैं कब से बात करना चाह रहा था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं इस फिल्म को रिव्यू नहीं कर पाया, बिकॉज जब मैंने इसको देखा तो मैं इमोशनली इतना मूव हो गया था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस फिल्म का रिव्यू बना भी पाऊंगा। मुझे जब कोई फिल्म बहुत पसंद आती है तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक वीडियो ऐसे के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा उस फिल्म को एक ट्रिब्यूट होता है। ट्वेल्थ फेल मेरे लिए वही फिल्म है। विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बहुत ऑनेस्टी से बनाया है। हर सीन में वो ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको अपना एक डिटेल सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मैं ट्वेल्थ फेल को एज अ फिल्म किस तरह से देखता हूँ। मैं इस वीडियो पे काफी दिनों से वर्क कर रहा था, सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आई रियली होप कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मुझे विजुअल्स बहुत जरूरी हैं कुछ बातें समझाने के लिए। सो आई रियली होप दैट सम ऑफ यू कनेक्ट विद दिस वीडियो। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ। आईपीएस बन गया ना, तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म कितनी स्ट्रेट टू द पॉइंट है। आप जब ट्वेल्थ फेल को देखना शुरू करते हो तो फर्स्ट सीन से ही आपको समझ आता है कि आप एक कॉन्फिडेंट फिल्म मेकिंग देख रहे हो। पहला सीन ही फिल्म का चीटिंग की बात करता है, जहां मनोज को छत पे बैठे पढ़ाई करते हुए नहीं बल्कि एग्जाम में चीटिंग के लिए पर्चियां बनाते हुए देखते हैं। ये सीन आपको उसी वक्त बता देता है कि इस कैरेक्टर की सोच गलत है, क्योंकि चीटिंग करना गलत है। वहीं जैसे ही कैमरा नीचे पैन करता है तो हम देखते हैं कि मनोज के फादर के लिए एक नोटिस आया होता है, क्योंकि उन्होंने करप्शन का साथ नहीं दिया होता, यानी कि चीटिंग का साथ नहीं दिया होता। पूरी फिल्म में मनोज सही गलत को ही फाइट करता है। सो पहले शॉट से ही फिल्म अपनी फिलॉसफी एस्टैब्लिश कर देती है। ईमानदारी की लड़ाई, हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे, लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। अब बात करते हैं फिल्म के अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव चॉइसेस की। आपने फिल्म देखते हुए रियलाइज किया होगा कि फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल है समझने में, बट जो फिल्म में दिखाई गई सिचुएशंस हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम इतनी सारी अंडरडॉग स्टोरीज देख चुके हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी यू नो प्री कंसीव करने लग जाता है कि सिचुएशंस बिल्कुल इसी तरह की होंगी, बट ट्वेल्थ फेल में जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है वो बाकी फिल्म से काफी अलग है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ सीन समझाता हूँ। आपको याद होगा जब मनोज और उसके भाई को जेल में बंद कर दिया जाता है तो ऐसे लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर फिल्म्स में लीडिंग कैरेक्टर की लाइफ में कोई ऐसी ही ट्रेजेडी दिखाई जाती है जिसके बाद वो बदल जाता है। कोई टिपिकल हिंदी फिल्म होती तो इसके भाई को यहाँ ही जेल में मार देती, क्योंकि ये चंबल है और पुलिस वाले यहाँ के ऐसे ही दिखाए जाते, पर ट्वेल्थ फेल इस तरह के रूटीन वे में नहीं दिखाई जाती है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ इसके अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव का, तो आप नोटिस करना इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, सभी फिल्म्स में हम देखते हैं कि लव स्टोरीज वहाँ पे खत्म हो जाती है जहाँ कैरेक्टर को अपना ड्रीम अचीव करना होता है। वो प्यार और अपने सपने में से एक चीज को डिसाइड करता है और फिल्म में उस चीज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस की तरह दिखाया जाता है। चाहे आप TVF का कोई भी शो ले लो लाइक एस्पिरेंस या इवन अ फिल्म लाइक व्हिप्लैश, दोनों ही जगह लीडिंग कैरेक्टर्स अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम परस्यू करना होता है। उन्हें लगता है कि प्यार उनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है। जब मैंने 12th फेल देखी तो आई वाज सो इम्प्रेस कि मनोज ने कभी श्रद्धा को छोड़ा नहीं और श्रद्धा ने मनोज को कभी नहीं छोड़ा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लव स्टोरी वाज कि ऐसे ही नहीं दिखाया जाता कि सिर्फ ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये साथ हैं। सोसाइटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इनके बीच दिखाया जाता है। विधु विनोद चोपड़ा ने भी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इस सीन में दिखाया था, जहाँ पे बोला जाता है कि लव बीइंग एन डिस्ट्रैक्शन। आपको ये सीन याद होगा जब मनोज का दोस्त उसे बोलता है कि अगर तू कुछ नहीं बना तो ये तुझे छोड़ के चली जाएगी, और इसी सीन से उनका लव और स्ट्रांग दिखाया जाता है। कोई दूसरी फिल्म होती तो आपको अगले सीन में कोई ब्रेकअप दिखाया जाता या फिर ऐसे दिखाया जाता कि लड़की की शादी हो रही है बिकॉज लड़का गरीब है या फिर कहीं पहुंचा नहीं है लाइफ में, इसलिए। दैट इज वाई जो डायरेक्टर ने नैरेटिव की चॉइसेस की हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, और फिल्म की ये स्ट्रेंथ भी है। तो बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करूं तो वो है कि ये फिल्म सिंपथाइज नहीं करती है अपने प्रोटैगनिस्ट को। इस फिल्म की एक क्वालिटी ये भी है कि आपको ये फिल्म ना अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए सिंपथाइज नहीं कराती है। ऑनेस्टली अगर आप मनोज के कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझो तो वो एक खुददार इंसान है। ना वो फ्री का खाना खा सकता है लाइक वी सी इन दिस सीन, ना वो बुरा फील कर सकता है कि उसे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। मनोज के लिए बाकी कैरेक्टर सिंपथाइज करते हैं पर मनोज खुद कभी अपने लिए बुरा फील नहीं करता। लिटरली जब श्रद्धा उसे देखती है कि वो आटा चक्की में कैसे काम कर रहा है तो उसे मनोज के लिए बुरा फील होता है, पर अगर आप मनोज को देखो तो उसके मुंह पे एक स्माइल होती है, उसकी आंखों में वो चमक होती है, वो पैशन दिखता है कि उसके लिए सिर्फ ये काम है। उसको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है। इससे पता चलता है कि उसे अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। अगर कोई और फिल्म होती तो हमें इन सीन्स के थ्रू सिंपथाइज कराया जाता,
स्लो मोशन शॉट्स दिखाए जाते स्ट्रगलिंग फेस के, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया जाता। आपने इस तरह की ट्रीटमेंट सुपर 30 में देखी होगी। उधर आनंद के कैरेक्टर को एक सिचुएशन में पापड़ बेचते हुए दिखाया जाता है। वहां उस सीन को भी इमोशनली और भी ज्यादा ड्रामेटाइज किया जाता है। एंड ऑनेस्टली वो मेरा सुपर 30 का फेवरेट सीन था। बट जब मैंने 12 फेल देखी तो मैंने रियलाइज किया कि कैसे एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव कितना मैटर करता है इन सीन्स में। विद्युत विनोद चोपड़ा भी इजीली मनोज के स्ट्रगल्स को एक इमोशनल एंगल से या एक सिंपथेटिक एंगल से ऑडियंस को दिखा सकते थे। एंड ऑनेस्टली शायद हमें ये चीज और भी पसंद आती क्योंकि एज ऑडियंस हम ऑलरेडी सिमिलर चीजें देखने के यूज टू हैं बाकी फिल्म्स में। बट आई थिंक मनोज की तरह ही विद्युत विनोद चोपड़ा भी एक खुद्दार इंसान है। मुझे तो एटलीस्ट वो ऐसे ही लगते हैं, इसीलिए उन्होंने इसी तरह से मनोज को फिल्म में दिखाया है। क्योंकि रियलिटी में भी अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो हम सबकी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज आता ही है, और कितने सारे हम लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में होंगे भी। तो क्या हम उस स्ट्रगल फेज को रोमांटिसाइज करने लग जाएं? नहीं, राइट? एक स्ट्रांग इंसान या फिर जेंजी की टर्म में अगर मैं कहूँ तो एक अल्फा पर्सनैलिटी, वो इंसान अपने स्ट्रगल्स को कभी भी सिंपथाइज नहीं कराता लोगों को बोल बोल के कि देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया है। उस इंसान के स्ट्रगल्स उसका एक फेज है, उसे पता है कि वो उनसे आगे निकलेगा ही। 12 फेल में भी इसी तरह से मनोज की जर्नी को दिखाया जाता है बिना किसी सिंपथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फिल्म का काम है आपको इंस्पायर करना, ना कि आपको बुरा फील कराना। पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं अंदर के अंधेरे से डरो, सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। अब मैं बात करना चाहूंगा कैमरा मूवमेंट्स की। इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो अपने आप में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। जो सामने फिल्म चल रही है वो उससे भी ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करता है। अब सभी सीन्स में कैमरा की मूवमेंट्स को नोटिस करना, आपको कुछ नया समझ आएगा। मेरा फेवरेट मोमेंट था इस सीन में जहां मनोज आईपीएस इंटरव्यू के लिए हॉल में एंटर करता है और वो बहुत नर्वस होता है। इस सीन में आपको कैमरा एंगल नोटिस करना चाहिए, कहीं पे भी मनोज के ऊपर कैमरा नहीं लगाया जाता है। आप देखते हो कि एक हॉल है और इस हॉल में बाकी एस्पिरेंट्स भी बैठे हैं। मनोज पे अभी तक कैमरा फोकस नहीं करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म। सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं वो सभी डिजर्व करते हैं उस जगह पे होना, इसीलिए इस सीन में टॉप एंगल शॉट दिखाया जाता है। इसके बाद मनोज बैठता है, फिर कैमरा उसके ऊपर आता है। हम देखते हैं कि वो टेंशन में है, वो नर्वस है। यहाँ पे भी आपको कैमरा वर्क नोटिस करना चाहिए। सिर्फ मनोज के टेंशन भरे फेस को ही नहीं बल्कि दूसरे कैंडिडेट्स के फेस को भी दिखाया जाता है, वो भी टेंशन में है। कभी फोकस उन पे जाता है तो कभी मनोज पे। अगर ये मनोज के लिए इतना बड़ा दिन है तो सिमिलरली बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत ही ब्रिलियंटली बिना किसी डायलॉग के सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू आपको ये सब समझाया जाता है। आप चाहे ये आईपीएस इंटरव्यू ले लो या फिर अपनी लाइफ का कोई पर्सनल इंटरव्यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये सीन वो सारी टेंशन आपको कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू दिखा देता है। इसीलिए जो इस फिल्म का कैमरा वर्क है वो बहुत अमेजिंग है। दिस इज डेफिनेटली सिनेमा एट इट्स बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। बात करते हैं फिल्म के फाइनल एक्ट की। अभी तक पूरी वीडियो में मैंने आपको फिल्म की फिलॉसफी, फिल्म का अनएक्सपेक्टेड नैरेटिव, लव स्टोरी, अनसिंपथेटिक प्रोटैगनिस्ट, कैमरा मूवमेंट्स, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एक्ट ऑफ दिस फिल्म, यानी कि फिल्म का आखिरी हिस्सा जहाँ पे हर चीज आपके सामने रिवील होती है। आप मनोज को इस इंटरव्यू में एंटर करते देखते हो। वो बहुत अनईजी है, वो नर्वस है। उसे सूट बूट पहनने की आदत नहीं है। उसके जूते चलते हुए आवाज कर रहे हैं। उसे फील ही नहीं हो रहा कि वो वही मनोज है कि नहीं। सब कुछ सुन हो गया है उसके आसपास। फिर उसे अपना नाम सुनाई देता है। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अंदर जाते हुए ही एक आदमी उसे बोलता है झूठ बोलने के लिए। वो उसे कहता है कि अपने 12 फेल होने के बारे में अंदर मत बताना, और वो उसे ये भी बताता है कि जो अंदर आदमी बैठा है वो हिंदी मीडियम वालों को पसंद नहीं करता। जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान ऑलरेडी नर्वस है और आप उसको ये सब बातें बोल दो तो वो तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाएगा। मनोज के साथ भी वही होता है। जैसे ही मनोज रूम में एंटर करता है आप उसकी आवाज में वो नर्वसनेस सुन सकते हो। ध्यान से सुनना। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरे ओपिनियन में बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग की है विक्रांत ने। इस मोमेंट से पता चल जाता है कि इतने छोटे मॉड्यूलेशन के लिए भी उन्होंने कितना ध्यान दिया है। मनोज इसके बाद इंटरव्यू में बैठता है, उसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और ऐसे लगता है कि अब उसके लिए सब खत्म हो गया है। उसके चेहरे पे एक हार सी होती है, पर उसी वक्त वो लेटर देखता है जो उसे श्रद्धा ने आने से पहले दिया था। उस लेटर में लिखा होता है, मनोज चाहे तुम आईपीएस बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज। काफी इमोशनल सीन था ये, बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ गए। ओह,
जस्ट लुक एट द वे इस लेटर की ट्रांजिशन को मनोज के ऊपर ब्लेंड किया जाता है, जस्ट ब्यूटिफुल। इसको पढ़ने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, वो सुकून से बैठता है, वो लिटरली अपने वहां पे जूते उतार देता है और तभी उसे अंदर वापस बुलाया जाता है। आई जस्ट वांट टू से कि मनोज इसी मोमेंट में सब कुछ जीत गया था। वो श्रद्धा से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वो दुनिया उथल पुथल कर देगा, आपको याद है ना वो सीन। अब वापस इंटरव्यू में अंदर जाके चाहे उसका सिलेक्शन ना भी हो, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव जरूर करेगा। आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। ये लाइन बहुत ही ब्रिलियंट थी। मनोज उस इंटरव्यू में प्रूव कर देता है कि इवन इफ दे डोंट सेलेक्ट हिम, वो फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। इतने सारे इमोशंस को अपने सामने देखते हुए एज ऑडियंस आप मनोज के साथ हो जाते हो। उसकी सोच उस वक्त आपकी सोच बन जाती है, उसकी लड़ाई आपकी लड़ाई बन जाती है, उसके कॉन्फिडेंस में आप बिलीव करते हो। दैट इज व्हाई आई फील कि फिल्म का जो फाइनल एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों तरफ से मनोज जीत चुका था। ऐसी राइटिंग फिल्म्स में रेयरली ही देखने को मिलती है। हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने इस तरह से इस फाइनल एक्ट को लिखा था। इजीली वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा। If I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Alright then, video khatam karte hain. Honestly, bahut sari cheeze main aur batana chahta tha, but I don't want to make a longer video than this. I really hope ki aapko ye video pasand aayi ho. Aap mujhe comment karke zarur batana. आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि आपको 12th फेल कैसी लगी, आपको फिल्म में क्या डिटेल्स पसंद आई। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @vishalinsinema, जहां पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। और देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काफी पर्सनल थी मेरे लिए वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।